हमें लग रहा है तेजस्वी जी का काफिला निकलने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये है तेजस्वी जी का घर। वाह, घाट साहब बैठे हुए हैं और हुडी वगैरह देखिए इधर लगा हुआ है तेजस्वी जी के घर के पास, और इतना सारा सिक्योरिटी लगा हुआ था कि डर लग गया था, इसलिए कैमरा को बंद करना पड़ा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत प्यारे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और अभी 10 बजने वाला है, और बाहर का मौसम बहुत ही प्यारा मौसम है अभी, और धूप है हल्का हल्का, और कोई नहीं आसपास, पूरा मोहल्ला खाली है, पता नहीं कहाँ गया है सब। तो अभी गाइस थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी थोड़ा सेटिंग करवाएं, बहुत दिनों से हम बाल वाल का थोड़ा सा लुक चेंज करें, कि बहुत दिनों से ऐसे ही रखे हुए हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा मार्केट और देखते हैं कोई सैलून में थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग करवाते हैं बाल उल का, दाढ़ी का। तो फिलहाल ठीक है, तो चलते हैं मार्केट। गाइस तो अभी मस्त एकदम दाढ़ी वाड़ी एकदम बाल वाल एकदम छोटा करवा लिए एकदम मस्त, अब बहुत दिन के बाद ही लुक चेंज किए हैं अपना। तो कैसा लग रहा है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दाढ़ी वाड़ी बहुत ज़्यादा एकदम बियर्ड टाइप का लग रहा था एकदम। तो मस्त एकदम दाढ़ी वाढ़ी एकदम बाल वाल सेट करा के नहा सुना के, आज ऊपर से आज पूर्णिमा भी है तो अच्छा दिन भी है। तो चलिए कोई नहीं, मस्त लग रहा है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी शाम का वक्त है और अभी मन किया चाय पीने का, तो चलिए चाय बनाते हैं। पूरा सेटअप लेके बैठे हुए हैं चाय बनाने के लिए, बस ऐसे ही मन कर गया चाय पीने। तो चलिए शुरू करते हैं चाय बनाना, और कोटरी में चाय बनाएंगे, सस्पेन है नहीं मेरे पास, और इधर क्या थोड़ा सा आदि आदि उदी डाल के एकदम मस्त वाला एकदम चाय बनाते हैं। भाई आदि यहीं पर रखे थे, किधर चल गया आदि भाई? आज हम बनाएंगे अमूल दूध के पैकेट का चाय, क्योंकि मार्केट अभी जाए कौन सा दूध लाए तब बनाएंगे, मेरे पास शॉर्टकट रखा हुआ था तो इसी को यूज करेंगे चाय बनाने के लिए। तो चलिए पानी गर्म हो गया है और इसमें अब डालेंगे दूध। इसका भी चाय बहुत अच्छा लगता है पीने में, आप कभी पिए होंगे तो आप लोग को पता होगा, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों चाय मस्त हम बना लिए हैं, और साथ में मिक्सचर, शाम का नाश्ता एक नंबर। और बेली रोड में जबरदस्त का भीड़, आज शायद एग्जाम है इंटर वाला ना, और पटना का जाम आप देख सकते हैं किस तरह का कदर। तो ये है पटना का एक अंडरग्राउंड पुल। चल रहे हैं हम भैया तेजस्वी जी के घर की ओर, और आपको दिखाते हैं आज ब्लॉग में तेजस्वी जी का घर। और देखिए इधर कितना कड़ा सिक्योरिटी होता है, और थोड़ा छुपा के चलना पड़ रहा है क्योंकि सिक्योरिटी कहीं रोक लिया तो लेने के देनी पड़ जाए। और हमें लग रहा है तेजस्वी जी का काफिला निकलने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये है तेजस्वी जी का घर। वाह, घाट साहब बैठे हुए हैं और हुडी वगैरह देखिए इधर लगा हुआ है। हम थे तेजस्वी जी के घर के पास, और इतना सारा सिक्योरिटी लगा हुआ था कि डर लग गया था, इसलिए कैमरा को बंद करना पड़ा। और इसलिए फिर यहाँ से अब निकल रहे हैं हम लोग आगे की ओर, क्योंकि काफिला उनका निकलने वाला था तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम लोग आगे की निकल गए। और ये उनका मार्ग है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और इधर सारा तो विधायक मंत्री सबका ही हाउस है इधर। तो ये है आपको पटना का हज भवन, और फेमस जगह है, आप यहाँ पे अगर कहीं भी घूम सकते हैं, सर्च मारेंगे तो हज भवन के बारे में आपको पता चलेगा। तो बस इधर से गुजर रहे थे, सोचा आपको थोड़ा सा दिखाते हुए जाएं, बहुत ही खूबसूरत है हज भवन।
सो ये गाइस तभी जस्ट घर पहुंच गए हैं और अभी टाइम होने वाला है और 7 बजने वाला है और ब्लॉग को बस अभी हीट पे लगाना है और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही क्योंकि आज गए हुए थे तेजस्वी भैया के घर देखने के लिए तो देख गया, लेकिन सिक्योरिटी इतना था कि भाई बस वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाए क्योंकि डर लग गया था। तो कोई नहीं, इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।